दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ के रहने वाले ओम प्रकाश ने हिमाचल की पहली डिजिटल टोपी बनाकर तैयार की है। ओम प्रकाश कबाड़ से नई तकनीक बनाते रहते हैं। इस बार उन्होंने हिमाचल की शान इस टोपी को एक नया रूप देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने सौर पैनल लगाया है। इसमें लगाई गई बैटरी चार्ज भी हो जाती है। इस बैटरी से चलने वाला पंखा भी टोपी में फिट किया गया है। इसके अलावा टोपी में रंग बिरंगी डिजिटल लाइटें भी लगाई गई हैं, जो उसमें चार चांद लगा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक टोपी बनाई जो कि आज तक की सबसे आधुनिक हिमाचली टोपी है। यह एक बुशहरी टोपी है। इसमें इस टोपी को ठंडा करने के लिए मैंने इसमें एक पंखा लगाया हुआ है और यह पंखा सोलर सिस्टम से ही चलता है। इसका जो भी चार्जिंग सिस्टम है, जैसे लाइट का है, पंखे का है, तो वो सोलर से ही चार्ज होता है। दोस्तों, वैसे गर्मियों में आजकल जब हम टोपियां पहनते थे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, जिसके लिए उन्हें बार बार सर से हटाना पड़ता था। इस समस्या से मैं काफी समय से परेशान था, तो मैं इसका समाधान चाहता था। तो मैंने एक टोपी में इस तरह का एक समाधान किया, जिसमें एक पंखा लगाया गया जो कि टोपी को ठंडा रखता है, और साथ ही इस टोपी में विभिन्न प्रकार की लाइटें हैं। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप में एक सोलर प्लेट लगा हुआ है, इसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है, साथ में जो फूल होते हैं टोपी में वो लगे हुए हैं। पर इन फूलों की खास बात यह है कि इन फूलों में लाइटें लगी हुई है, और साथ ही टोपी में भी लाइट लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि टोपी में इसमें रेड कलर की LED जल रही है, जिसका मतलब है कि सोलर प्लेट काम कर रही है। जैसे हम इस पर हाथ रखें तो LED बंद हो जाती है, हटा दे तो ऑन हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका सोलर सिस्टम चला हुआ है, जो इस टोपी को चार्ज करता रहता है। साथ ही इसमें बैटरी लगी हुई है, जो कि इस जो ये ग्रीन कलर का जो आगे से फ्रंट है, इसके अंदर ही डाला गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी लाइटें कैसे काम करती है। इसमें एक तो जैसे चेंजेबल लाइटें हैं, जिनको चेंज किया जा सकता है। जैसे ये ब्लू कलर में है और इसको फिर से पुश करने पर ये ग्रीन हो जाती है, तो इस तरह से ये ब्लू हो जाती है, तो इस तरह से ये रेड हो जाती है। और इसमें और भी कंडीशन है, जैसे दो कलर रख सकते हैं, ग्रीन और ब्लू, या जैसे मर्जी आप रख सकते हैं। साथ ही इसको आप इस तरह कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो इसको बंद करके आप सिंपल इसके फूल को ही ऑन कर सकते हैं। ये पहली बार ही होगा शायद जब इस तरह के फूलों में LEDs लगाई गई है। साथ ही इस टोपी को ठंडा करने के लिए ये पंखा लगा हुआ है, जो कि अभी तो नहीं दिखाई देगा, पर जैसे इस बटन को हम पुश करते हैं तो ये पंखा मूविंग करना शुरू कर देता है। शायद दिख रहा हो थोड़ा, अभी इसको मैं रोकता हूं, ये देखिए रुक गया और इसी तरह से स्टार्ट हो गया। तो ये टोपी को ठंडा करता है, जो इसकी निचली साइड को हवा फेंकता है। और इस टोपी की खास बात यह है कि जितनी धूप लगती है पंखा उतना तेज घूमता है, जितनी कम धूप होती है पंखा स्लो हो जाता है। और यह टोपी काफी समय तक इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें सोलर सिस्टम से ही चार्ज होता रहता है। पर अगर कभी सोलर सिस्टम से चार्ज ना हो पाए तो उसके लिए यहां से मोबाइल के चार्जर पिन से भी चार्ज किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टोपी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी तो लगेगी क्योंकि यह हिमाचल की सबसे अत्याधुनिक टोपियों में से एक है। शायद इस तरह की टोपी पहली बार ही बनाई गई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप पसंद करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि COVID-19 के इस दौर में हमें घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करते रहें, सरकार के जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें, तो जल्द ही इस प्रकार की टोपियाँ आपको मार्केट में भी मिल सकती है। जय हिंद। दिव्य हिमाचल TV के लिए थुनाग से ललित कुमार की रिपोर्ट। अरे ये क्या कर रही हो, क्यों क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो, 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं।
राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गाँव हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।